दंड पाटा, ये न्यूज में आपसे कभी भी पूछा जाए आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में स्टेट वेपन है, ठीक है, महाराष्ट्र का स्टेट वेपन इसे बनाया गया अभी रिसेंटली दंड पाटा को। ओकेजनला छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, सोमवार को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया दंड पाटा और द ग्रॉलेस्ट शॉर्ट एज द ऑफिशियल स्टेट वेपन। अब क्या किया इसको, क्या किया उन्होंने, राजकीय शस्त्र बना दिया है, ऑफिशियल स्टेट वेपन है वो उनका। ये देखने में कैसा है इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखने में इस तरीके का, ये इस टाइम पे महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा, ऑफिशियल स्टेट वेपन होगा, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत होंगे। ये शिवाजी महाराज की तलवार है एक तरीके से, मतलब उनके मराठों में जितने लोग थे वही चलाते थे। दंड पाटा इज अ गाउंटलेट कंपैरिजन ऑफ द 90 सेंटीमीटर शार्प ब्लेड अटैच टू द ग्लव लाइक मेटल एक्सटेंशन डिजाइन टू फिट इन द कुंकल्स एंड बैक ऑफ द हैंड्स, है ना। अब ये क्या करता है, जब भी एनिमीज होते हैं कुछ भी होता है तो उस टाइम पर इनको ऐसे छोटे वेपन से होते हैं तो जो आराम से संभाल सके और अपने पास रखे। 19 इंच का मतलब हो गया इतना का, तो यहाँ पर भी बांध सकते हैं ऐसे लपेट के, मतलब ऐसे ढाल में डाल दिया, हाथ मोड़ेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइट होता था, ये क्या करता था, वॉरियर शिवाजी जैसे लोगों को जब सब कुछ खराब हो रहा था, चीजें प्रॉब्लम होती थी तो बहुत बुरा डैमेज कर सकते थे। इसको शिवाजी पर्सनली लेके चलते थे, डेडली था मुगलों के खिलाफ, सेंचुरीज से ये लेजेंडरी वेपन बन चुका था, ठीक है, मराठा वॉरियर का। और ये मार्शल ट्रेडिशन में आता है, मतलब वहां पे जो युद्ध करते हैं वो इस दंड पाटा को आज भी यूज करते हैं। और ये दंड पाटा एक अच्छा वेपन इनके लिए माना जाता है। दंड पाटा शॉर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी हिस्ट्री और हेरिटेज का, तो भाई जाहिर सी बात है इसीलिए इसको मराठों को ऑनर्स करने के लिए इनके लिए इन्होंने ये किया कि ये वॉरियर किंग के स्किल्स को ध्यान रखे और दंड पाटा को लेके जाए। अब मार्शल हेरिटेज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्टेट क्राफ्ट की तरह इसको जब वेपन को हम और आगे बढ़ाएंगे और इसको बनाएंगे दंड पाटा को, यूथ के बीच में इसको इंस्पायर करेंगे और हम इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, इसको एग्जीबिट करेंगे उन सबके सामने, म्यूजियम में रखी चीजें इंस्टॉल भी होंगी, दोबारा लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं शिवाजी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए शिवाजी महाराज को जानना समझना बहुत जरूरी है, तो दंड पाटा आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको बोला जाता है मर्दानी खेल, मर्दानी खेल इज द आर्म्ड इंडियन मार्शल आर्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्या है, मर्दानी खेल है, ठीक है ना। इट यूजेस वेरियस वेपन्स, ठीक है, ये गेम है वहां पे जिसको मर्दानी खेल बोलते हैं। इस मर्दानी खेल में क्या होता है, महाराष्ट्र में कई सारे वेपन्स यूज किए जाते हैं जिसमें से एक दंड पाटा भी होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। मैनी मार्शल आर्ट फॉर्म्स मर्दानी खेल में आती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, नववारी सारी फीमेल वॉरियर्स जो है वो मर्दानी खेल में ट्रेंड होती हैं और सेम वेपन्स और सेम मूव जैसे इंसान करते हैं, मानव करते हैं, मेल करते हैं, सेम उसी तरीके लिए ये भी वॉरियर बन के इसी तरीके का काम करती हैं। देखिए मराठों में कई बार हमने देखा है महिलाएं भी बहुत तरीके से वेपन्स यूज करती थी, बेहतर तरीके से इनका प्रयोग करती थी। तो मर्दानी खेल एक गेम वहां पर होता है जिसमें दंड पाटा भी यूज किया जाता है, अदर वेपन्स भी यूज किए जाते हैं। अगर आप कभी महाराष्ट्र लड़की को देखेंगे तो वो साड़ी भी पहनती है जैसे इन्होंने पैंट पहनी हो, तो वो कूद सकती हैं, भाग सकती हैं, लड़ सकती हैं, युद्ध कर सकती हैं। तो ये सारी नीतियां आपको ये बताती है क्या प्रॉपर मैनर में इस चीज को चलाते हैं। अब देखिए किसी स्टेट का अगर वेपन एक सिंबल बन गया, स्टेट सिंबल वेपन है, तो अब क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, ये नहीं हो गया सिर्फ महाराष्ट्र में दंड पाटा आया, अब क्वेश्चन आ गया यूपी का कोई स्टेट वेपन है, बिहार का कोई स्टेट वेपन है, राजस्थान का कोई स्टेट वेपन है। ये सारी चीजें आप लोग एक बार देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। अगर चीजें समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छा, नहीं आई होंगी तो एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए वेट करते हैं।